अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी रेसिपी। आज हम मछली फ्राई करने जा रहे हैं। मछली फ्राई करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, कड़ी पत्ता चाहिए, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना, जो 7-8 सब्ज़ मिर्च हैं, 4-5 जवे लहसुन की हैं, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, 3 चम्मच बेसन है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच ज़ीरा है, ये थोड़ा सा अदरक है, 2 चुटकी जर्दे का कलर है, 2 अदद नींबू है, ये कुकिंग ऑयल है, और 1.5 किलो मछली है, और थोड़ा सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे। आए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कड़ी पत्ता है, ये हम ये सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ पुदीना है, सब्ज़ मिर्चें हैं, थोम है, अदरक है, हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है, बेसन है, कॉर्नफ्लावर है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, जर्दे का कलर है, ये लेमन है, इसमें हम इसका जूस निकाल लेते हैं। जर्दे वाली प्लेट थी उसी में हम निकाल रहे हैं कि बीज ना मसाले में चले जाए। ये नींबू डाल दिया, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। अभी हम इन सब मसालों को ग्राइंड करेंगे। ये हमारा मसाला ग्राइंड हो गया, अभी हम मछली को लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम इसमें मछली डालेंगे। अभी इस मसाले में हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 嗯，我们这个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 ，
ये देखिए हमारे मसाले मिक्स हो गए हैं। आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा हो गया मछली को मसाले लगाए हुए, भी हम फ्राई करते हैं। चलना बिस्मिल्लाहिम। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं। अभी हम चूल्हा ऑन करते हैं।
अभी इसको गर्म होने देते हैं। देखिए हमारी फिश फ्राई हो गई है, अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अभी हम और पीसेस डालेंगे। ये हमारी फिश तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं, खाएं और हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।